हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नॉलेज केयर। दोस्तों, अभी जो आपने गाना सुना बम भोले महादेव का जो गाना सुना, तो आज उन्हीं के बारे में बात करेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है सेव धर्म, बहुत ही छोटा टॉपिक है, महत्वपूर्ण टॉपिक है, और इसमें ज़्यादा आपको कंसेप्ट पर बात करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सिर्फ आपके जो फैक्ट्स हैं उनको जानना है, ठीक है, उनको उसके बारे में। तो चलिए महादेव का नाम लेते हैं, हर हर महादेव करते हैं और आज की कार्रवाई को शुरू करते हैं। और महादेव के बारे में ही पढ़ना है और सावन का महीना चल भी रहा है, तो चलिए देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला शैव धर्म। तो शैव किसको कहते हैं? तो जो भगवान शिव के उपासक हों, भगवान शिव के जो उपासक हों उनको शैव कहा जाता है। भगवान शिव के उपासक को शैव कहा जाता है, ठीक है। शैव धर्म, भगवान शिव की आराधना करने वाले जो भी मानने वाले अनुयायी होते हैं, उनसे जो जुड़े होते हैं, उस धर्म को शैव धर्म कहा जाएगा। और जो भगवान शिव के उपासक हैं उन्हें शैव कहा जाएगा। इस धर्म का उदय कब हुआ? तो जिस समय आपका जैन धर्म, बौद्ध धर्म है, उसी समय के दरमियान, यानी कि 6वीं शताब्दी में ही इस धर्म का भी उदय हुआ था। 6वीं शताब्दी में ही शैव धर्म का क्या हुआ था? उदय हुआ था। क्लियर है? चलिए, उपनाम। तो ऐसे तो महादेव जी के बहुत सारे उपनाम हैं, और ऐसा कहा जाता है कि लोग इनको किसी भी नाम से पुकार लें, खाली दिल से पुकार लें, हाजिर हो जाएगा, ठीक है। इसके बारे में कई किदवंतियाँ भी आपने सुना होगा कि कोई उनका भक्त जो है उनका आराधना करते करते उनका नाम भूल जाता है, तो अंत में वो लोचन बिलोचन कहने लगता है, फिर भी महादेव प्रसन्न हो जाते हैं और वो कहते हैं कि भक्त मुझे किसी भी नाम से बुलाए, बस श्रद्धा पूर्वक बुलाए, मैं उपस्थित रहूँगा, ठीक है। तो उपनाम में इनका पशुपति, महादेव, भव, रुद्र, भोलेनाथ, महादेव, जो भी बहुत सारे इनके नाम हैं। अब आइए जानते हैं ऋग्वेद में भगवान शिव के लिए कौन सा शब्द था। भगवान शिव को ऋग्वेद में रुद्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रुद्र कहा जाता था, ठीक है। चलिए, क्लियर है, आगे बात करते हैं। शिवलिंग का अस्पष्ट वर्णन कहाँ मिलता है, किस ग्रंथ में मिलता है, किस पुराण में मिलता है? तो शिवलिंग का पहला अस्पष्ट वर्णन आपको मत्स्य पुराण में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? मत्स्य पुराण में, ठीक है। शिवलिंग की उपासना का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है सिंधु सभ्यता से। अगर पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त करना है तो कहाँ से मिलेगा? सिंधु सभ्यता से। अब बात करते हैं, सिंधु सभ्यता से आपको साक्ष्य मिल गया, पहला अस्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण से मिला। अथर्वेद में भगवान शिव के लिए कौन सा शब्द है? अब प्रश्न ये उठता है, क्या अथर्वेद में भी भगवान शिव की चर्चा है? तो अथर्वेद में भगवान शिव को सर्व, भव, भूपति या पशुपति कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सर्व, भव, भूपति एवं पशुपति, ठीक है। अब इस धर्म के लिए कौन सा काल स्वर्णिम काल माना जाता है? तो गुप्त काल को स्वर्णिम काल माना जाता है। शैव धर्म का स्वर्णिम काल गुप्त काल को माना जाता है। हालांकि भारतीय प्राचीन इतिहास का स्वर्णिम युग गुप्त काल को ही कहा जाता है। हर चीज़ के मामले में सारी चीज़ें इसमें संतुलन में थी। अब बात करते हैं शिव की प्राचीनतम मूर्ति कहाँ से मिली है, प्राचीनतम मूर्ति कौन सी है? तो वो है गुड्डी मल्लम लिंग। इनके 12 ज्योतिर्लिंग थे, आपको पता होगा। तो इसमें गुड्डी मल्लम लिंग जो है इनका सबसे पुराना है, ठीक है। और यह कहाँ मिला है? तो यह रेणुगुंटा आंध्र प्रदेश से। कहाँ मिला है? रेणुगुंटा आंध्र प्रदेश से। क्लियर है दोस्तों? क्लियर है ना? अरे भगवान शिव की बात कर रहे हैं भाई, महादेव का नाम जपो, हर हर महादेव करो और याद करो, पढ़ाई आगे बढ़ाओ, महादेव ही छुटकारा दिलाएं, प्रार्थना करो महादेव से कि इस महामारी से हमें वही बचाएं। शिव, अब बामन पुराण के अनुसार शैव संप्रदाय 4 भाग में बटे हुए थे। हमने जाना कि मत्स्य पुराण में सबसे पहले अस्पष्ट
लिंग का स्पष्ट वर्णन है, ठीक है, शिवलिंग का। और इनकी उपासना का पुरातात्विक साक्ष्य हमें कहाँ से मिलता है, तो सिंधु सभ्यता से मिलता है। चलिए हम बात कर लेते हैं, बामन पुराण के अनुसार शैव संप्रदाय को चार भाग में बांटा गया था, पाशुपत, कपालिक, कालामुख और लिंगायत। कितने भाग में? चार भाग में बामन पुराण के अनुसार पाशुपत, कपालिक, कालामुख और लिंगायत। क्लियर है? चलिए अब आगे देखते हैं। सबसे प्राचीनतम जो शैव संप्रदाय था वो पाशुपत संप्रदाय था। कौन सा संप्रदाय? पाशुपत। इसके संस्थापक थे लकुलिस। कौन थे इसके संस्थापक? लकुलिस। और ऐसा माना जाता है कि यह भगवान शिव के 18वें अवतार में से एक थे। कौन? लकुलिस, जो कि किस धर्म के संस्थापक थे? पशुपत शैव संप्रदाय के। चार भाग में बटा था, पशुपत, कपालिक, कालामुख और लिंगायत। तो इसमें पशुपत का जो संस्थापक थे वो कौन थे? लकुलिस थे। क्लियर है? चलिए अब पशुपत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ क्या था? तो पशुपत संप्रदाय का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पशुपत सूत्र था। पशुपत के मानने वाले को कहा गया पंचार्थिक। क्या कहा जाता था? पशुपत जो धर्म को मानता था उसे पंचार्थिक कहा जाता था। पशुपत के विख्यात आचार्य हुए श्रीकर पंडित। क्या नाम था इनका? श्रीकर पंडित, ठीक है। कपालिक संप्रदाय के इष्ट देवता हैं भैरव। कौन है? कपालिक संप्रदाय अब आ गया, तो कपालिक संप्रदाय के इष्ट देवता भैरव को माना जाता है। भैरव बम है ना, बोल बम। कपालिक संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्रीशैल तमिलनाडु की तरफ है, ठीक है, यहाँ पर है। आगे हम बात करते हैं लिंगायत संप्रदाय। तो लिंगायत संप्रदाय का संस्थापक बासवा जी को माना जाता है। किसको माना जाता है? बासवा को। लिंगायत संप्रदाय का केंद्र दक्षिण भारत में है। कहाँ माना जाता है इसका केंद्र? दक्षिण भारत में इसका ज़्यादा चलन था। और लिंगायत संप्रदाय का उपनाम था जंगम। क्या नाम था? लिंगायत संप्रदाय को जंगम भी कहा जाता था, जंगम, ठीक है। इस संप्रदाय में शिवलिंग की उपासना का चलन था। किस संप्रदाय में? तो लिंगायत संप्रदाय में, ठीक है। लिंगायत संप्रदाय को क्या कहा जाता था? तो वीर शिव संप्रदाय भी कहा गया है। क्या कहा गया है? वीर शिव संप्रदाय भी। क्लियर है? अब है कालामुख संप्रदाय। तो कालामुख संप्रदाय की अनुयायी को महाव्रतधर कहा जाता था। सोमवारी करते हैं ना लोग, तो वो कालामुख से नहीं, इनके जो संप्रदाय के मानने वाले थे इसको महाव्रतधर कहा जाता था। क्यों करते हो सोमवारी, बताना। चलिए महाव्रतधर अपने शरीर में चिता की भस्म लपेटते थे, इंसानी खोपड़ी में भोजन पानी और मद्यपान करते थे, ठीक है। ये लोग मनुष्य के खोपड़ी में मदिरा, पानी, जलपान, भोजन सब कहाँ करते थे? मनुष्य के खोपड़ी में, ठीक है। ये थे कौन? कालामुख, भगवान शिव के कालामुख, कालों के काल, महाकाल, सबकी रक्षा करें, है ना। चलिए एक बार फिर से हाथ जोड़ ले। तो इनका काम था महाव्रतधर का क्या? चिता का भस्म लपेटते थे और इंसानी खोपड़ी में ये भोजन करते थे। अब आइए शैव धर्म सर्वाधिक लोकप्रिय किस शासक के काल में था? दरअसल जब तक राजाओं का संरक्षण नहीं होगा, धर्म हमेशा से राजाओं के संरक्षण में ही पला बढ़ा है। तो दक्षिण में या चोलों, पल्लवों, राष्ट्रकूटों और चालुक्यों के समय काफ़ी लोकप्रिय था शैव धर्म। भारत में चोलों, पल्लवों, राष्ट्रकूटों और चालुक्यों के समय काफ़ी लोकप्रिय था। किधर? दक्षिण भारत में। शैव संतों को नैनार, जबकि वैष्णव संतों को अलवार। और नेक्स्ट वीडियो में हम भगवान विष्णु की भी बात करेंगे, ठीक है, तो आप लोग तैयार रहिएगा। अब आते हैं नाथ संप्रदाय की स्थापना। तो नाथ संप्रदाय की स्थापना सत्येंद्र नाथ ने 10वीं शताब्दी में कर दी। एक नया संप्रदाय आ गया इसमें। अभी तक हम लोग चार ही जानते थे। कौन कौन जान रहे थे? एक जान रहे थे पाशुपत, कपालिक, कालामुख और लिंगायत। अभी हमने पाँचवा देखा 10वीं शताब्दी में, कौन? सत्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना कर दी। अब शैव संप्रदाय जो है इसमें परमात्मा, जीवात्मा और बंधन की परिकल्पना की गई। आप जब शिव चर्चा सुनते होंगे तो इस तरह की बातें सुनते होंगे, भले ही उनका टोन इरिटेट करता हो पुरुषों को, बहुत सारे लोगों को इरिटेट करता है टोन उसका, लेकिन अच्छी बात है, वो लोग भगवान की आराधना करते हैं तो अच्छी बात है। नैनारों ने पल्लव काल में, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार किसने किया? तो नैनारों ने किया। किसने किया? नैनारों ने।
नैनार किसको कहा जाता है? तो भगवान शिव के उपासक को नैनार कहा जाता है। नैनार संतों की कुल संख्या 63 थी। कितने थी? 63। ठीक है, अब आइए शैव सिद्धांत की बात करते हैं। तो शैव के चार सिद्धांत हैं, कौन कौन? विद्या, योग, कर्म और चर्चा। महिलाएँ सुनाती है जब शिव चर्चा तो क्या कहती हैं, वो इस ढंग से कहती हैं कि कौन उनके जो अभी चल रहा है, किनको, हरिंदर भैया शायद हैं, तो उनका नाम लेकर कहती है कि उन्होंने 300 दिया है ये वो। ठीक है, तो आप लोग सुनते ही होंगे और ये बहुत पॉपुलर है, बहुत सारे जगह लगभग फैला हुआ है। ये ग्रामीण क्षेत्रों की बात नहीं है, शहरों में भी फैला हुआ है, तो मजाक अभी से नहीं है, सीरियसली। अब आगे हम बात करते हैं शैव सिद्धांत के पदार्थ की। तो शैव सिद्धांत में तीन मटेरियल थे, पशु, पास और पति। कौन कौन थे? पशु, पास और पति। इसी सब शब्दों से मिलकर पशुपति बना। अब एक और संप्रदाय आ गया, शुद्ध संप्रदाय। तो शुद्ध संप्रदाय के संस्थापक थे श्रीकांताचार्य। कौन थे? श्रीकांताचार्य। अब हमने देखा था कि दक्षिण भारत के कुछ राजाओं के समय काफ़ी फेमस था, तो उन लोगों ने मंदिर भी बनवाया, भगवान शिव का मंदिर बनवाया। तो एलोरा स्थित कैलाशनाथ मंदिर किसने बनवाया? काफ़ी फेमस प्रश्न है ये प्रश्न आपसे बहुत बार पूछा गया, काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है कि कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया, और कंफ्यूज कर जाते हैं बच्चे कि राष्ट्रकूट है कि चोल है या चंदेल है या पल्लव है। तो इसका सही आंसर है राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था, और कृष्णा प्रथम का नाम ज़्यादा इसमें आता है। दूसरा प्रश्न आता है, तंजौर में स्थित राजराजेश्वर शैव मंदिर, जिसको बृहदेश्वर का मंदिर भी कहा जाता है, इसे चंदेलों ने बनवाया था, और चंदेल के शासक थे राजराज प्रथम। क्या नाम था? राजराज प्रथम। वैसे मेरा नाम भी उसी टाइप का है, पता होगा आपको। सबसे पहले अपने मुद्रों पर शिव और नंदी का चित्रण किसने करवाया? तो कुषाण शासकों ने, भगवान शिव के जो उनके साथ रहते हैं नंदी महाराज, उनका और भगवान शिव जी का खुद का चित्रण किसने, प्रिंटिंग किसने करवाया? कुषाणों ने करवाया। तो चलिए, यह बहुत काफ़ी शॉर्ट टॉपिक था, और हमने महादेव की बात की। एक बार फिर से हर हर महादेव, बम भोला, सबका कल्याण करे और आपका भी कल्याण करे। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।